The coordinates of two points A and B are -3, 3 and 12, -7. P is a point on the line segment AB such that AP is to PB is equal to 2:3. Find the coordinates of P. ये सवाल है हमारा. तो देखिए ये सवाल समझने के लिए आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. अगर कोई एक पॉइंट A है x1, y1, दूसरा पॉइंट B है x2, y2 और उनको कोई पॉइंट P डिवाइड कर रहा है m1:m2 में, तो सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये. काफी बड़ा और डेंजरस फॉर्मूला है, लेकिन दो बार तीन बार आप अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी होने लगेगी. अब जो सेक्शन फॉर्मूले की शक्ल है उसी शक्ल में मैं इस सवाल को लाने की कोशिश करूंगा. चलिए देखते हैं. तो अब अपना जो पॉइंट A है वो क्या है -3, 3. पॉइंट B हो जा रहा है 12, -7. पॉइंट P हमें निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सवाल है. और 2:3 हमारा रेशियो, यानी m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 12, y2 की वैल्यू -7. ये सिचुएशन है हमारी. तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से क्या बनकर आएगा, एक बार फिर कॉपी कर लेता हूं मैं. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, तो वही फॉर्मूला m1x2 + m2x1 / m1 + m2, m1y2 + m2y1 / m1 + m2. याद कैसे रखना है आपको कि भाई ये अल्टरनेट है, 1 के साथ 2 है तो 2 के साथ 1 है, 1 के साथ 2 है तो 2 के साथ 1 है, 1 2 2 1, और डिवाइड आपको रेशियो वैल्यू से करना. आप गलती आप ना करें कि आप x1 + x2 कर लें, बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती हो जाएगी. m1 + m2 यानी रेशियो वैल्यू से डिवाइड कर, रेशियो नीचे भी है और रेशियो ऊपर भी है, ये याद रखना है आपको. अच्छा, अब अपने फॉर्मूले के अनुसार m1 दिया जाता है 2 से, तो कैसे करेंगे आप आराम से 2 ब्रैकेट और यहां पे क्या है 3 है, 3 ब्रैकेट ऐसे कर लीजिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा. एक तो एक जैसा काम करना होगा तो आप तुरंत कॉपी कर लेंगे. ऐसे बैठ के m1 x2 हर बार इसको देखें फिर इसको देखें तो थोड़ी दिक्कत होगी. मैं ऐसे करता हूं, आप भी एंजॉय करेंगे इस तरह करना. अब हमारा काम आसान हो गया है. अब x2 यानी कि यहां अगर देख रहे हैं, अगर हम लोग 2 के साथ चल रहे हैं तो हम इधर देखें, फिर से बोल रहा हूं m1 x2 यानी m1 x2, तो बस यहां पर हम लोग क्या कर देंगे 12. x1 x2 ये है तो 12 लिख लिया, x1 लिखना है यहां पर -3 आ जाएगा. अब वही काम यहां पे करेंगे, y2 पहले करेंगे, -7 पहले यहां पे लिया और फिर उसके बाद 3 यहां पे लिया. अब सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, 12 × 2 = 24, 24 - 9 हो जाएगा 15, और -14 + 9 हो जाएगा -5. ठीक है, अब ये सिचुएशन आ गई तो ये हो गया जाएगा 3, -1, यही आंसर है. सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. तो अब इसको हम लोग कलर कर देते हैं.